हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल कोरी है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग क्रिएटिव कलर्स। मैंने एक पेंटिंग बनाई थी कुछ दिनों पहले, एक सो बहुत लोगों ने उसको लाइक किया, कमेंट्स किया एंड तो आज ये वीडियो उसी पेंटिंग के ऊपर डिटेल रहेगा। एंड ये वो पेंटिंग है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें मैंने कौन सा पेंट यूज़ किया है, कौन सा पेपर यूज़ किया है या क्या मैंने दिमाग में रख के इस पेंटिंग को बना रही थी। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं पेंटिंग प्रोसेस की तरफ। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना एंड वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आउटलाइन पहले से ही बना के रखा है और आजू बाजू में मैंने चारों कोनों में मास्किंग टेप लगाया है। आपको नॉर्मल टेप भी मिलता है तो आप लगा सकते हैं। तो पहले हम बैकग्राउंड को कलर कर लेंगे। मैंने बैकग्राउंड को लाइट ब्लू कलर दिया है। ये कलर मैं वाटर कलर यूज़ कर रही हूँ अपने बैकग्राउंड को कलर करने के लिए। वैसे तो मैंने सोचा था इसको मैं वाटर कलर से बनाऊंगी, पर बैकग्राउंड कलर करते करते मेरा मन कर गया कि मुझे इसे पोस्टर कलर से बनाना है। ये मैंने स्टूडेंट पोस्टर कलर यूज़ किया है। वैसे आप चाहें तो कोई से भी ब्रांड का पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप कोई से भी ब्रांड का यूज़ करें तो स्टूडेंट पोस्टर कलर ही यूज़ करें। और जो मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ वो 220 GSM का पेपर है। वैसे आप कोई से भी GSM का पेपर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई मोटा पेपर ही यूज़ करें जो 200 GSM से ज़्यादा ऊपर हो। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पहले फेस बनाना शुरू किए हैं। वैसे मुझे तो बहुत टफ लगता है फेस बनाना, इसीलिए मैं हमेशा पहले फेस बनाती हूँ। एक बार फेस बन गया ना तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी लगने लगता है। मैंने कहा था ना मुझे फेस बनाना बहुत टफ लगता है, मैं पोस्टर कलर से बना ही नहीं पाई तो इसीलिए मैंने पेंसिल कलर उस पर यूज़ करने की सोचा। और पेंसिल कलर से उसका एक्सप्रेशन लाना कितना इजी हो गया है। तो अगर आप बिगनर हैं तो एक बात ज़रूर याद रखना, भले ही आप वाटर कलर यूज कर रहे हो, पोस्टर कलर यूज़ कर रहे हो या एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हो, आप पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाने से पहले पहली लेयर को पूरी तरह से सूख जाने देना, तभी दूसरी लेयर लगाना। इसीलिए मैंने बाल को थोड़े से ब्लैक करके, पूरे बाल नहीं बनाए सिर्फ थोड़े से ब्लैक करके साड़ी बनाना शुरू कर दिया। स्किन कलर के लिए मैंने येलो, ऑरेंज एंड वाइट कलर को मिक्स करके ये स्किन कलर बनाया है। जैसे जहाँ जहाँ डार्क रहेगा वहाँ वहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी यूज़ किया है।
और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने साड़ी गुलाबी में बनाए हैं, पर कहीं ना कहीं मैंने उसमें पर्पल और वाइट भी मिक्स किया है। कॉर्नर कॉर्नर में जहाँ पे मेरे को डार्क शेड्स चाहिए मैंने वहाँ पे पर्पल यूज़ किया है, और जहाँ पे मुझे लाइट शेड चाहिए मैंने वहाँ पे वाइट यूज़ किया है। दुपट्टे के लिए मैंने ऑरेंज रेड एंड वाइट यूज़ किया है, थोड़ा थोड़ा मैंने शेडो क्रिएट करने के लिए ब्लैक भी यूज़ किया है। जिस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ उस पर मुझे कॉल आ गया था, तो मैं प्ले बटन क्लिक करना भूल ही गई। तो बैकग्राउंड में मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करके बॉक्स बॉक्स बनाना चाहती थी, पर जब मैंने बनाया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ब्रश को गीला करके वो सारे कलर्स को ब्लेंड कर दिया। तो बैकग्राउंड के कलर को ब्लेंड करने के बाद मैंने उसको पूरा सूखने का टाइम दिया और दूसरे हाथ को भी पूरा बना दिया। एक बार जब बैकग्राउंड पूरी तरह से सूख गया तो मैंने सोचा कि मुझे उस पर थोड़ा सा वाइट मिला देना चाहिए, तो शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा बैकग्राउंड, पर मुझे बैकग्राउंड फिर भी नहीं अच्छा लगा। तो मैंने फिर से बैकग्राउंड को सूखने का टाइम दिया और डिटेल वर्क्स भी लग गई।
वैसे तो बैकग्राउंड में कलरफुल ही चाहती हूँ, पर जब जब मैं जैसे जैसे कलर लगा रही हूँ मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए मैंने उसे फिर से सूखने का टाइम दिया। तो जब तक बैकग्राउंड सूख रहा था मैंने है ना बाल बनाना शुरू कर दिया। मैं मोस्टली चाहती थी कि बालों को ब्लैक करूं, पर बीच में मैंने क्यों सोच लिया मुझे थोड़ा ब्राउन भी करना चाहिए, तो मैंने बालों के लिए ब्राउन और ब्लैक यूज़ किया है। और अब पेंटिंग पूरी कंप्लीट ही हो गई है, पर अभी भी मुझे बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा। और इसमें अब मैं कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसमें इतने पानी इतने लेयर्स कलर के लगा दिए कि मेरा पेपर डैमेज होने वाला है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाइट ब्लू से ही काम चलाती हूँ। किसी महान इंसान ने कहा है, देयर इज नो सच थिंग एज रुइन आर्ट, We just make beautiful mistakes. So, ये मेरा beautiful mistake है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।